मन से पूछ गुजरे तो कलीवी मुस्कुरा रही है। गीत सुनिएगा धर्मराज भेजी यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लेके जा रहे हैं। अर्जेंट बोलना। अच्छा ये श्री बुलबुल सिंह राशि गांव से। अरे बा, इन्होंने लिखा है कि हमारी वाइफ का नाम भी बुलबुल है। वाह क्या बात है। बुलबुल बोले अंगना मेरे, अरे तू कब आएगा बता सजना मेरे। भैया को धन्यवाद, आपने इसी देखा इसको अर्जेंट में बोलते क्योंकि इनकी पत्नी का नाम भी बुलबुल है। धन्यवाद, नमन कर रही हूँ। सुनिएगा गीत, सुनिए। सत्यवान के प्राण यमराज लेके जा रहे हैं, सावित्री पीछे पीछे जा रही है। यमराज ने कहा देवी देवी अब इसके प्राण तो वापस नहीं हो सकते, तुम्हारी इच्छा हो तो कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा ए मस्तु ऐसा ही होगा। फिर यमराज आगे आगे सावित्री पीछे पीछे। यमराज ने कहा देवी और इच्छा हो तो कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा देना चाहते हो तो मैं पुत्रवती हो जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज बोले ए मस्तु ऐसा ही होगा। फिर यमराज आगे आगे सावित्री पीछे पीछे। यमराज ने कहा देवी अब क्या चाहती हो, क्या चाहते कुछ नहीं है तो फिर क्यों पीछे आ रही हो। आपने वरदान दिया कि पुत्रवती हो जाओ। हाँ मैंने वरदान दिया और सत्य होगा, आप पुत्रवती होगी। बोले पुत्रवती तो तब होंगे जब मेरे पति होंगे। यमराज भी हाथ मल के रह गए। सावित्री कहने लगी महाराज जी। ये पसीना एक बात का प्रमाण कर रहा है। क्या बता, ये जवाबी खेल नहीं है बच्चों का। और क्या, पसीना निकल आता है अच्छे अच्छों का। वाह, एक टुकड़ा और सुनिएगा। और सुनिए, जिस समय माता पार्वती गणेश जी का जन्मोत्सव मना रही हैं, जन्म दिवस में कोई
कोई ना कोई गिफ्ट लेके आती है सब। देखा कि सारे देवता गणेश जी को उपहार दे रहे हैं, वही शनि देवता बैठे हैं, नजरें नीची करें। शनि देवता क्यों? क्योंकि शनि को श्राप है उनकी पत्नी का, तुम जिसकी तरफ नजर उठा के देख दोगे वो खत्म हो जाएगा। अब शनि देवता नजरें नीची किए बैठे, माता भवानी ने देखा, बोले सब तो उपहार दे रहे हो, शनि देख भी नहीं रहे हैं। अरे कुछ ले ना दे, मगर देख तो ले। और जैसे शनिदेव ने देखा तो गणेश जी का सर कट गया। ये जी, और जैसे सुत यानी पुत्र का सर कटा देखा तो माँ कहने लगी, क्या बिना बछड़े रोती और बिलखती जैसे गैया है। ललन की जान जाती है तो मेरी जान जाती है। लेकिन जब गज का सिर जोड़ दिया गया हाथी के बच्चे का, पुनः जान वापस आ गई तो माँ कहने लगी, क्या ललन में जान आती है, ललन में जान आती तो जान में जान आती है, ललन की जान जाती है तो मेरी कथानक सभी को मालूम है। माता भवानी ने तीन देवताओं को प्रकट किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से कहा मुझसे शादी कर लो, ब्रह्मा जी ने कहा मेरी माँ है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ। माँ ने ब्रह्मा जी को वचन कर दिया, यही बात विष्णु से की, यही बात विष्णु जी ने जवाब दे दिया, तो भगवान विष्णु को भी वचन कर दिया। भगवान भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ ने सोचा कि आखिरी नंबर हमारा ही है, तो कैसे बचा जाए। तो भोलेनाथ बोले, माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन मेरी शर्त है। क्या? बोले पहले तो ये तीसरा नेत्र जिससे आपने इन दोनों को भस्म किया वो मुझे दीजिए, दूसरी शर्त है कि मेरे भाइयों को जीवित कीजिए, तीसरी है कि इस रूप में आप मेरी माँ है इसलिए रूप का परिवर्तन करके आइए, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। भाइयों को मृत पड़ा देखा, भाइयों को मृत पड़ा देखा तो भोलेनाथ करे, माँ माँ कि जिसके साथ भाई है, लेकिन सदा ही होता भाई का ये दाया हाथ भाई है। भाई का हमेशा दाया हाथ भाई होता है, क्योंकि रावण दशहरा के दिन रावण मारते हैं ना। रावण यही कह रहा है राम से, हे राम हे राम, तुम मुझसे जीत सकते थे, ये तुम में ताकत नहीं थी, लेकिन जानते हो मैं क्यों हारा हूँ? क्यों क्यों हारा हूँ? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और हमारा भाई भी तुम्हारे साथ है। ये मेरा भाई नहीं है, वो भाई का दाया हाथ भाई होता है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, वीरन की जान जाती है तो मेरी जान जाती है, लेकिन जब माता ने जीवित कर दिया तो वीरन में जान आती है, तो जान में जान आती है, वीरन की जान जाती तो मेरी भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु की पत्नी का सर काट दिया चक्र सुदर्शन से। और जब सर काटा तो ऋषि कह क्या रहे हैं सुनेगा, क्या बताओ? जन्म जन्मों के साथी
जैसे फूल और पाती तो वो जैसे दीप और पाती वैसे भगु और ख्याति। लेकिन दुल्हन की दुल्हन की दुल्हन की जान जाती है तो मेरी जान जाती है। लेकिन जब पुनः जान वापस आ गई तो दुल्हन की जान आती है तो जान में जान आती है। दुल्हन की जान जाती तो ये मेरी सजन की जान जाती तो मेरी जान जाती है। बोले राजा सरकार की ये विनोद सिंह जी सेरापुर से आपके कर कमलों से 101 गीत सुनेगा। बहुत सुंदर सी धुन आपने गाई है। कल्पना जी भी कह रही थी दीदी आपने ऐसी कटपीस गाई कि मैंने सुना नहीं। बताइए अचंभा मुझे तब हुआ जब हमारे चच्चा ने कहा कि बिटिया बाल सफेद हो गए लेकिन हमने नहीं सुनी। बता लेकिन चलिए हो जाता है। कल्पना जी लाखों करोड़ों धुने हैं बिल्कुल। और सच बताएं ये जो गीत आपने गाया है मैंने आज तक नहीं सुना। तुमने सुना? नहीं सुना। उधर तकलीफ नहीं सुनी उन्होंने तो मैंने इधर गीत नहीं सुना। ये ले नहीं सुना। नहीं आपने सुना मैंने नहीं सुना। यही तो आप लोगों की मानता है तभी तो हम लोग कहते हैं हमसे अधिक ज्ञानी आप लोग होते हैं। सच बता रहे भैया क्योंकि जो श्रोता है और वक्ता है इन दोनों लोग में बहुत अंतर होता है। हम लोग बोल रहे हैं न जाने कौन सी बात गलत निकल जाए लेकिन आप लोग सुन रहे हैं कलम चल रही है एक एक पंक्ति नोट हो रही थी ये गलत है बिल्कुल। तो इसलिए आप लोग हमसे अधिक ज्ञानी हैं और आप लोगों को अधिक बताएंगे तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल वो वक्ता है और ये बहुत सुबह वक्ता है। आइए सुनेगा गीत बहुत अच्छा आया है शायद बन जाए क्योंकि बहुत अच्छी धुन आपने गाई है। पहली बार मैं भी इस गीत को गा रही हूँ। कल्पना जी अच्छा गीत है आपका। डर जाए भैया अरे तुम्हारे अच्छी बात आई है। सजन की जान जाती है तो मेरी जान जाती है। सजन की जान जाती है तो मेरी जान जाती है। ललन की जान जाती है। कई बातें आपने अपने गीत में लगाई हैं। शाबाश। आइए आदरणीय भैया जी कुछ ऐसी ही बात मैं भी प्रयास कर रही हूँ अगर बन जाए तो सभी बड़े दद्दा लोगों का भैया लोगों का आशीर्वाद होगा। ध्यान दीजिएगा जिस समय
आइए बिल्कुल बोले बोले अभी बोल देंगे कट पीस के बाद। ये शिवन सिंह भैया शहर और आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ही बेसरी बहन प्रताप सिंह भैया 101 रुपए, सज्जन सिंह भैया 101 रुपए का आशीर्वाद आया है भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद की कामना है। श्री शिव कुमार भैया उपाध्यक्ष जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद की कामना है। आप ही भैया श्री मनोज कुमार पाल भैया सहरापुर आपकी ओर से भी ये 101 रुपए का आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे भैया जी, तापस्वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी हो। पहली बात दे रही हूँ अगर तुम्हारी सावित्री हैं, कई जगह आपने 3 बात ली हैं, सजन की जान जाती है तो मेरी जान जाती है। तो देखिए मैं कहाँ से प्रयास कर रही हूँ, मानस से मैंने प्रयास किया है तो कहाँ से कर रही हूँ। आदरणीय भैया जी पंक्ति सुनिएगा। पहली बार भगवान राम तैयार हो गए हैं जाने के लिए, सभी लोग खड़े हैं सोचने लगे। सुनेगा लाइन मेरी कहती है, अरे दिया बनवास माता ने, माता कह गई अरे दिया बनवा से माने, क्यों वो तो वर मांगती माता और प्राण अपने गवाने तो वो भी तैयार है माता दूंगी। अगर नहीं गए तो कहना पड़ा मुझे, क्योंकि मानस में पढ़ने में को मिला है कि हो प्रात मुनि भेष धरी जो नवड़ा में बन जाही, और मरण राउर अजसे नृप समझई मन माही। अगर राम नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगी। उधर सजन के जाते हैं तो इधर सजनी के जाते हैं। अगर नहीं गए तो कहना पड़ा मुझे, ललन यदि होना चाहते तो मेरी जान जाती, ललन यदि को है ना चाहते तो मेरी जान जाती है, तो मेरी जान जाती है, तो मेरी जान जाती है, ललन यदि बन होना चाहते तो मेरी जान जाती है। और यदि स्वामी ललन यदि को है वो जाए, ललन यदि बन को है जाए तो मेरी जान जाती तो मेरे जान जाती है, तो मेरे जान जाती है। अगर नहीं जाएंगे तो अब राजा दशरथ कह रहे हैं मैया कैकेयी से, कैकेयी कहने लगी सुनेगा राजा दशरथ जी से, ये पहली बार दशरथ जी कह रहे हैं कि सुनो देवी, अरे प्रिया क्या मांगी है, हे रानी अरे पीरा का प्रिया क्या मांगी
पर अड़ गई हो तो राजा कहने लगे अरे छूट जा एगी ये मेहंदी, छूट जा एगी ये मेहंदी, जाएगा ये सितारा है। छूट जाएगी, हाँ, जाए श्रृंगार सारा है। ये तुम्हारा 16 श्रृंगार चला जाएगा, इसलिए रानी मान जाइए अगर मेरा लाल वन को गया तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया जी? ललन यदि वन को जाता है, अगर जाता है तो ललन यदि वन को जाता है तो मेरी जान जाती है। दशरथ जी ने कहा, दशरथ जी ने कह दिया राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, छह बार मुख से राम निकला और पंच तत्व में विलीन हो गए। और अगर ना जाए तो ललन यदि वन को ना जाते तो मेरी जान आती है, तो मेरी जान आती है। आपने सजन लिया तो इधर, अरे ललन यदि वन को ना जाता तो मेरी जान जाती है, ललन यदि वन को ना तो मेरी जान आती है, तो मेरी जान आती है। ये आपके सजन का प्रयास मैंने सजनी से किया है, कह कई मचल गई हैं ये प्रयास। आइए, क्योंकि आपके में तीन बातें थी, विरन भी यानी भाई, तो इधर भी मैंने भी प्रयास किया है क्योंकि समय के बंधन में है। भरत भैया ने भी कह दिया अगर 14 बरस बीतते बीतते भैया नहीं आए तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। ये मेरी ओर से प्रयास आपके बहुत ही सुंदर से गीत ला केवल रहा है। आइए अब अपनी ओर से गीत दे रही हूँ।